चलिए सर करें स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। टॉपिक का नाम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फटाफट पीडीएफ ओपन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ आपको। आज हमने प्रैक्टिस सेशन रखना है पूरा क्वेश्चंस का। दो लेक्चर्स के क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ पे हैं, तो देखते हैं। टॉपिक का नाम दोबारा से बात करते हुए, क्या नाम है जी? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी बात थी सर। तीन चार फॉर्मूलाज हैं, अगर उसको किसी को आप आराम से समझाएं। फैक्टर्स अलग चीज है जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, मेथड्स अलग चीज है। मेथड हमारे पास अगर बात करी जाए तो कितने सर? तीन। अगर आपसे पूछे, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट, नंबर 2 शॉर्टकट बोल रहा हूँ सुपर प्रॉफिट, नंबर 3 कैपिटलाइजेशन। बड़ा सिंपल सी बात करेंगे आज आपसे, प्रैक्टिस ही है, हर बच्चे को मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने का। तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर दो मेथड थे, फर्स्ट डे बात की थी, कौन से? सिंपल एंड वेटेड। दोबारा रिपीट नहीं हुआ, आज रिपीट कराऊंगा। सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सर वैसे सिंपल तो कई बार रिपीट हो चुका, हर क्वेश्चन के अंदर सिंपल एवरेज तो आ ही जाता है हमें करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट सुपर प्रॉफिट। तीसरा कौन सा बचे? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के दो पॉइंट हैं, कौन से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी और कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा? एसपी। एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। अब सुनना ध्यान से सभी लोग, दो मिनट रुके। एपी सिंपल एवरेज का क्या फॉर्मूला है? यूवी सिंपल एवरेज का ध्यान सुनेंगे, सिंपल एवरेज मेथड का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट तो पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? रवि सभी सुनेंगे आराम से। सारे आइटम को प्लस करके डिवाइड टोटल करना प्रॉफिट चाहिए, बचे, थोड़ा प्रॉपरली इसको। प्रॉफिट ऑन नंबर हाँ, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, इससे क्या आ जाएगा हमारा जी? एपी। बट क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, हमें क्या चाहिए? गुडविल। तो उस एपी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। दोबारा बता दूं, क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ भी नई बात नहीं है। हाँ, 2, 3, 2.5, 3.5, 4, 5, ये क्वेश्चन में दिया होगा, आप मल्टीप्लाई कर देना, उससे आपकी गुडविल आ जाएगी। नंबर 2 वेटेड एवरेज को मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्यों? चलते ही बॉक्स वाइज है। नंबर 1 कॉलम कौन सा बनता है सोच के देखो। वेटेड में ईयर्स गिवन होता है, प्रॉफिट्स गिवन होता है, वेट्स गिवन होता है, लास्ट होता है प्रोडक्ट। सर प्रॉफिट को वेट से, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दो, उससे प्रोडक्ट आ जाएगा। फॉर्मूला है WAP का, किसका? WAP का, सम ऑफ प्रोडक्ट, जितने मल्टीप्लाई करे हैं सबका सम कर लो, डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। अभी भी इससे WAP आया, बट मुझे क्या चाहिए? गुडविल। गुडविल के लिए WAP इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब चलो सुपर प्रॉफिट। नीरव, सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है? और एक ही है, ज्यादा नहीं है, एक ही है, सोचो। पहले तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, नेट नहीं, नॉर्मल। सर इससे तो नीरव एसपी आएगा, एपी माइनस एनपी। क्वेश्चन ड्राइव करता हूं, चलो सर एसपी आ जाएगा। गुडविल चाहिए सर, उसी एसपी को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सर ये तो गुडविल आ गई, एपी पहले आ गया था, 1 पॉइंट स्टार मार्क है, मैं लग से लिखा था। व्हाट डू मीन बाय एनपी? सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? तो आप कहते सर कैपिटल इंप्लॉयड या इन्वेस्टेड या एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। सर आपके लिए +2 लेवल पे कोई फर्क नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए बता दूं दोनों अलग अलग है। कैपिटल इंप्लॉयड डिफरेंट चीज होती है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड डिफरेंट है। बीकॉम में जाएंगे, सेंगिट सेम आता है 4th सेमेस्टर में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दोबारा रिपीट होगा एडवांस अकाउंट्स में। क्या नाम है सब्जेक्ट का? एडवांस अकाउंट्स। बच्चा कहता है ये क्या सब्जेक्ट है, सीए में जाता है सेम, एडवांस अकाउंट्स। तो वहां हर टीचर अलग अलग पढ़ाएगा। क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड अलग चीज है, ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड अलग चीज है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड तो इतना डीप बताना मेरी ड्यूटी है। तो बच्चा कह सकता है कि सर एक ही बात नहीं होती, आप तो कहते थे फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता, वैसे सारी टर्म्स अलग अलग हैं। तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड, सब कुछ सेम है और आपको ऑलरेडी दिया होगा। इनटू एनआरआर फुल फॉर्म नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये ऑलवेज किस में दिया होगा? इन परसेंटेज। सर कैपिटल इंप्लॉयड 10 लाख, एनआरआर 10%, 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख। दिस इज एनपी, एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। सर मान लीजिए कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया हुआ, थोड़ी सी चर्चा करी थी आपके साथ, मगर दो तरीके हैं उसको निकालने के, एक है एसेट अप्रोच, एक है लाइबिलिटी अप्रोच। जैसे यहाँ मैथ्स में नहीं करते थे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दो साइड सॉल्व करते थे, सेम दो साइड्स हैं, एसेट साइड से आ जाइए आंसर वही जाएगा, लाइबिलिटी साइड से आएंगे थोड़ा शॉर्टकट है, एसेट साइड से आएंगे तो मैंने वर्ड बोला था TA, मैंने तो वैसे एसेट माइनस लाइबिलिटी बोला था, तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। आज एक नया वर्ड बोल रहा हूँ, कौन सा? माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी।
सर अगर लाइबिलिटी साइड से आए फिर तुमने दो ही वर्ड कहे थे, पार्टनर्स कैपिटल। सर पार्टनर क्यों बोल रहे हो, ये पार्टनरशिप का चैप्टर है। किसका चैप्टर है ये? पार्टनरशिप अकाउंट्स 1932, पार्टनरशिप एक्ट भी है हमारे पास लॉ में 1932। अब ये आया कब था? 1st October। नई चीज बताता हूँ, किसी को नहीं पता कब आया था, 1st October 1932। वन नंबर का एमसीक्यू है, पेपर में अगर पूछा जाता है पार्टनरशिप एक्ट ईयर कौन सा है, सारे बता देते हैं 1932, 56 नहीं है, पुराना मत जोड़ देना 1932, मतलब आज भी यही चल रहा है, आप सोच सकते हैं 2024 चल रहा है और 1932, कम से कम 92 ईयर्स पुराना एक एक्ट है और आज भी ये मार्केट में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और नया पॉइंट सर, अगर मान लीजिए पार्टनर्स कैपिटल, चलो आपकी बात मानी, अगर मोनिश मान लो तीन पार्टनर्स है तो तीन पार्टनर्स की कैपिटल, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को आपस में क्या कर लो बच्चे, एड प्लस एक वर्ड चलता है यहाँ पे रिजर्व्स। क्या वर्ड चलता है? रिजर्व। अभी ज्यादा चर्चा नहीं करी व्हाट यू मीन बाय रिजर्व, नॉलेज के लिए बता दूं, प्लस वन में सुना होगा जर्नल रिजर्व, कई बार सुना हो जर्नल, जी से, जे नी, जी, जी ई एन ई आर एल, जनरल रिजर्व। वो होता क्या है आज ही सुन लो, पास्ट प्रॉफिट्स, क्या वर्ड होता है, पास्ट प्रॉफिट जो आपने कमाए हैं जो आपस में नहीं बांटे, जैसे आप कुछ प्रॉफिट कमाते हैं आपके घर वाले सैलरी कमाते हैं, कोई प्रॉफिट कमाते हैं कुछ पैसा, वो डे वन से कहां रख देते हैं, बैंक में, सेविंग में, इसको तो यूज नहीं करना, इतनी सेविंग तो करनी करनी है, बाकी आप आपस में बांट लेते हो, खर्चा पानी, स्कूल फी, ट्यूशन फीस, घर का खर्चा, सब जगह चलते हैं। तो पॉइंट आया एसपी का दोबारा से, एपी माइनस क्या है जल्दी बोलना, एनपी, एसपी आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, उससे क्या आ जाएगा, गुडविल। लास्ट मेथड शुरू करते हैं अरुष, कैपिटलाइजेशन मेथड के कितने पार्ट है, दो, कौन कौन से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी, दोनों का खास पॉइंट क्या है, आंसर दोनों से सेम आए। एपी को अगर कैपिटलाइज करना हो तो क्या फॉर्मूला है, एपी को एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, चलिए तो फिर सुना सुना लग रहा है, एपी भी हम निकाल लेंगे, एनआरआर आप देकर जाओगे, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो तो गुड वन, वरना निकाल लूंगा एसेट माइनस लायबिलिटी। सुपर प्रॉफिट को अगर यूवी कैपिटलाइज करना हो तो क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट को एसपी अपॉन एनआरआर, कोई डाउट किसी को, पूरा चैप्टर मेरे एंड पे एक बार पैक है। हाँ अब प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हाई लेवल आएंगे, कुछ लो भी होंगे, आज पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे, शुरू हो जाइए, करिए पीडीएफ ओपन। लास्ट क्लास में मुझे लगता है 7 या 8 कितने हुए थे, फटाफट ओपन करो, फटाफट ओपन करिए, जल्दी 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 जल्दी, मैं जस्ट पहले क्वेश्चन से चलूंगा, आप 8 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ जल्दी, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे हूं एक बार दिखाने के लिए, ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 वेटेड, मैं कर चुका, क्लास रिकॉर्ड हो चुकी, ग्रुप में और आपके पर्सनल नंबर पे मैं क्लास शेयर कर रहा हूं, आज लास्ट डे रहेगा मेरे एंड पे, इसके बाद इस सारी क्लासेस आपको ऐप पे मिलेंगी, मोबाइल पे मिलेंगी, वेब पे मिलेंगी, जिनके पास ऐप डाउनलोड है उसमें कोड चेंज कर लेंगे, मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में, सारे मैसेज आएंगे, सब बच्चे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, सारे मैसेज आपको, ऐप कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा आपको समझाया जाएगा, नहीं समझ आएगा तो आप धीरे धीरे से पूछेंगे अगले दिन आके, वो आपको एक्टिव करके दे देंगे, मोबाइल एज वेल एज लैपटॉप, नई फीचर, घर जाके आराम से लैपटॉप पे जब मर्जी देखो, पूरी स्क्रीन पे देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट डन है, फोर्थ क्वेश्चन डन है बच्चे हमारा, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास चेक करिएगा, डन है, याद आ गया होगा रेमुनरेशन बताया था, पार्टनर्स कहते हैं हमें आपस में क्या चाहिए, सैलरी, तो वैसे एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में चेक करके बताओ कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में अपना 36, और यहां पे इन क्वेश्चन में एक नया वर्ड आया था एपी एवरेज प्रॉफिट, एक वर्ड आया था एक्चुअल एपी, तो बच्चा कहता फर्क कुछ नहीं सर, एपी में से आज सुन लो, जब कोई आप एडजस्टमेंट कर देंगे, एडजस्टमेंट मतलब कुछ प्लस या कुछ माइनस अकॉर्डिंग टू द एंट्री, देन वो क्या आएगा, एक्चुअल एपी। चलिए इसके बाद 6 नंबर आपने कर लिया था, 7 भी कर लिया था क्या, हाँ 7 और 4 पार्ट वाला, ठीक है आंसर चेक कर लीजिए, सबके क्लियर है, एंड तक क्लियर थे, ओके चलो फिर 8th क्वेश्चन सभी लोग स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ने पे ध्यान देंगे, देन इसको कॉपी पे परफॉर्म करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पहले पढ़िए, सभी लोग सेल्फ रीड कीजिए, 2 मिनट आपको दिए, पहले आप पढ़ेंगे फिर मैं पढ़ूंगा, पहले आप पढ़ेंगे जल्दी, फटाफट पढ़िए, कृष्णा ही पीडीएफ लिख नाम लिख दीजिएगा। चलिए जी, एवरेज प्रॉफिट यूवी क्या दिए हैं बच्चे,
75 विच इंक्लूड्स, इतने में फिर बोल पड़ा, विच इंक्लूड्स मतलब इसके अंदर इंक्लूड है क्या, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब मैं थोड़ा सा आपसे जनरल नॉलेज का पॉइंट पूछ रहा हूँ, प्लस वन सब लोग पास आउट है, सबने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पढ़ा हुआ है, अपने आप मुझे गेस करके बताओ ये क्या कहना चाहता है, मुझे समझ नहीं आया। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 5000 एवरेज बेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, एक एक करके सोचो। हाँ जी अर्णव, स्टॉक की वैल्यू 5000 कम लगाइए, बोलो जी इसमें किसी को डाउट हो पहले तो, सही है। क्वेश्चन है कौन सा स्टॉक, क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में तभी मजा आएगा। पहला पॉइंट प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है 75, कोई नहीं बोला, सब ठीक है। फिर कहते जी स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू सुनते हो, जान बुझ के कम दिखाया है, अब सोचना भी गलती आने वाली है। पॉइंट ये है ऑन एवरेज बेसिस, मतलब आप आमतौर पर ऐसी करते हो, ऑन डेली बेसिस पे ऐसी करते हो। पॉइंट ये है स्टॉक तो दो प्रकार का होता है, ओपनिंग एंड कौन सा होता है, मुझे बस ये बताओ अगर ओपनिंग कम दिखाते हैं, देखो फर्क तो पड़ेगा, और ओपनिंग कम दिखाते हो तो क्या फर्क है, और क्लोजिंग कम दिखाते हो तो क्या फर्क है। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर करो मुझे, ये स्टॉक कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक लिखिए सभी लोग, उसके नीचे लिखिए, स्टॉक के नीचे अंडरलाइन करके लिखिए ऑलवेज, जब तक वो आपको ओपनिंग के बारे में नहीं कहता वो ऑलवेज कौन सा स्टॉक होगा जी, क्लोजिंग। अब दो मिनट लेके सभी बच्चे यहाँ पे सोचेंगे, सभी यहाँ पे सोचेंगे अगर क्लोजिंग स्टॉक 5000 पे कम है तो क्या होगा, इस प्लस होगा, सोचो प्लस होगा, आंसर तो बच्चे ने बोल दिया वैसे प्लस होगा, आराम से सोचिए। प्लस वन का ट्रेडिंग अकाउंट में बना नहीं रहा, आपको याद करवा रहा हूं थोड़ा सा, क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड किसकी होती है, इनकम, किसकी इनकम। अगर आप क्रेडिट साइड, यही अपनी इंटेलिजेंसी है, मैं सही तरह को बना के दिखाने को टाइम वेस्ट कुछ नहीं है, इंटेलिजेंस ये है कि आप सोच पाए, उसको बैठे बैठाए यहाँ पे मेरे सामने विजुलाइज कर पाए, हाँ यार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड 5000 पे स्टॉक आपने कम लिखा है, तो समझ सकते हैं उससे ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या आया होगा, कम आया होगा, उससे नेट प्रॉफिट भी क्या आया होगा, कम आया होगा, जबकि आपकी गलती है, कभी भी स्टॉक को ओवर या अंडर नहीं दिखाना चाहिए, जितने का है उतने का दिखाना चाहिए, इससे आपका प्रॉफिट पे क्या आता है बच्चे, इफेक्ट। तो मींस दैट इस क्वेश्चन में एपी कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलेगा 75, बट एक्चुअल एपी कितना है 80, लिखिए कॉपी पे, शुरू हो जाइए, अब तो काम स्टार्ट हो गया। चलिए स्टॉक ऑफ 5000 जल्दी लिखेंगे, स्टॉक ऑफ 5000 ऑन एवरेज बेसिस है, मींस पहले तो मैंने स्टॉक के बगल में क्या लिखा जी, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक के यहां पे क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक, लिखिए एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 75,000, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 75,000 प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5000, एक्चुअल एपी इक्वल्स टू 80,000, एक्चुअल एपी इक्वल्स टू ये क्लोजिंग स्टॉक है, एक्चुअल एपी इक्वल्स टू 80,000। आगे बढ़े दो मिनट, आगे बढ़ते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं, कितने रुपए दिया हुआ है सोच के बताइए, 7 लाख, सर तो दिया हुआ है, मैंने पहले ही कहा था आपको, एंड NRR, नोट्स आपके पास हैं, जैसा मर्जी इस पे लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7%, तो क्या मतलब बना इसका मुझे ये बताओ, 7 लाख का 7% आपका क्या है, जल्दी बोलना, NRR कितना हो जाएगा, 7 लाख का 749,000, और इसको आप क्या नाम से पुकारेंगे, NP फुल फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट, वेट करिए अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, वेट करो, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 times द, क्वेश्चन का हीरो ये था, लास्ट वर्ड क्वेश्चन का हीरो है, मुझे पता नहीं था करना क्या है, सुपर प्रॉफिट को क्या करना है, जल्दी बोलेगा 5 times, पर सुपर प्रॉफिट कैसे आता है पहले तो ये बताओ, एपी माइनस कैसे आता है एनपी, शुरू हो जाइए फटाफट, शुरू हो जाइए अपने आप कर दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ही सारी पीडीएफ है, ये मैंने आपको कहा था ग्रुप में शेयर की जाएगी, क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हैं
तो एवरेज प्रॉफिट नीरव कितना दिया हुआ था अपने को क्वेश्चन में, एवरेज एवरेज 75 प्लस स्टॉक वैल्यूएशन कितना ऐड करेंगे, 5, 75 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चे 80। दोबारा बता दूं, क्रैमिंग मत करना, आपने अंडर वैल्यू करा हुआ है, स्टॉक को कम दिखा रखा है, अगर ज्यादा दिखाते उससे प्रॉफिट बढ़ जाते। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल एपी। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग दीजिए, थोड़ा स्पीड से सभी लोग करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है जी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर। तो कितना है मोहित कैपिटल इन्वेस्टेड, चेक करिए क्वेश्चन में, 7 लाख का 7% कितना हो जाएगा अभिषेक, 49। बट मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए पहले ये बताओ, एसपी, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी माइनस, तो 80 माइनस हाउ मच, 49, 80 माइनस 49 कितने हो जाएंगे, 31, 31,000 एसपी। बट मुझे अर्नव यहाँ पे अल्टीमेटली क्या चाहिए आपसे, तो गुडविल का फॉर्मूला मैं दोबारा आपके लिए लिखता हूँ, कई बच्चे यहाँ लिखते नहीं है और सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, बट पेपर में नंबर प्रेजेंटेशन मैं इसलिए आपको कहना चाहूंगा, नंबर ऑफ इयर्स क्या वर्ड है यहाँ पे कंजाम, परचेज, तो यजस कितना प्रॉफिट था अपना 31 × 5 करेंगे तो सॉरी 155, 155 और फिर आपके लिए लिख रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है पर बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑलवेज गुडविल किसकी आई है जी ये। तो चलिए सर, किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने रख दिया पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, मैं क्या रुकता हूँ तो इस पे 1 मिनट इसके लिए रुक रहा हूं, आप देख सकती हैं, किसी को लगता है तो पूछ सकता है वरना आगे चल सकता है। चलिए सभी लोग के चलो खत्म करें पीडीएफ को, फिर 9 नंबर मुझे लगता है आपको करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, आपको आना चाहिए, करिए जल्दी, करिए करिए करिए, कोई नहीं 2 मिनट दिया आपको, फटाफट करिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, सबको करना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कृष्णा दिए हुए हैं कितने पेश रहा, 2.5 लाख बचे, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सर उल्टा कर दिया। आज आपने पहली बात तो कौन सा स्टॉक क्लोजिंग ओवर वैल्यू रखा है, ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा, तो आज इस 2.5 लाख में से 10,000 क्या करोगे माइनस, 1 पॉइंट कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है 14 लाख, रेट दिया हुआ है 15%, गुडविल है 4 टाइम्स ऑफ एस, करिए स्टार्ट जल्दी फटाफट, ये आपकी कॉल है फटाफट करेंगे जल्दी इसको, मैं यहां पे इसको ओपन कर लेता हूं। 9 नंबर अगर थोड़ा शॉर्ट लिख के करूं तो मेरे से जल्दी हो जाएगा, 2.5 माइनस वैल्यूएशन ऑफ क्या पॉइंट है जी, स्टॉक कितने रुपए बचे 10, तो इसको क्या नाम दोगे जल्दी बोलना, एक्चुअल एपी। नेक्स्ट वर्ड आपके अकॉर्डिंग चलो शॉर्ट फॉर्म करूं तो क्या ये ठीक रहेगा, आप भी कैसे करते हैं, सी आई इंटू एन आर आर, तो आई थिंक सो सी आई आई 14 लाख है, उसका 15% यू भी 2 10 हो रहा है क्या, 2 10 इज द एनपी, बट मेरा क्वेश्चन आपसे स्टिल पेंडिंग है, एसपी क्या होता है, एपी माइनस एनपी, क्लियर है, तो एपी कितना था मुझे ये बताइए, 2 40 माइनस कितना है बच्चे 2 10, तो करके मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं दिस टाइम, फिर मत होना कंफ्यूज मत होना, तो एसपी कितना आ गया ये बताओ 30, बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए जल्दी बोलना जी, तो एसपी इनटू क्या लिखते हो आप, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, मुझे एसपी बताओ कितना आया था 30, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है जी ये बताओ, 4 टाइम्स बचे, तो दिस इज अवर गुडविल, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, एक बार लुक कर लीजिए, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, किसी को भी समझ आना चाहिए ये चीज को लेते हुए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 8 एंड 9, क्या डाउट है जी, पास कर देंगे 8 एंड 9, कोई डाउट बताइए, सही है चले आगे, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग करेंगे, एक नया पॉइंट सिखाता हूं आज आपको, फटाफट आइएगा,
एक अप्रैल को फर्म की एसेट्स कितनी है ये बताओ, इंक्लूडिंग कैश। जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे हैं, तो कैश भी तो एसेट है, कैश भी तो एसेट है, और जानबूझ के ऐसा कुछ बोल रहे हैं, कैश भी एसेट है। पार्टनर्स कैपिटल, आज नहीं चीज कहूंगा, पार्टनर्स कैपिटल ऑलरेडी दी हुई है कितनी, तो बच्चा कहता है ये तो पहली बार सुने, एसेट भी दिया हुआ है, पार्टनर्स का कैपिटल भी है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम। यहाँ दोनों मेथड लग जाएंगे और चेक करवाऊंगा दोनों का आंसर सेम है। कभी ये नहीं होगा, बताना रह गया, एसेट साइड से कैपिटल इंप्लॉयड निकालो तब भी सेम आएगा, लाइबिलिटी साइड से निकालो तब भी सेम आएगा, वेट करो। एंड द रिजर्व अंडरलाइन करके लिखेंगे, जब भी कभी ना बताया हो तो कौन सा रिजर्व, जनरल, GENERAL ऑलवेज, बीइंग द रेस्ट, पता नहीं क्या कही जा रहा है बीइंग द रेस्ट, वेट करते हैं। इफ नॉर्मल रिटर्न कितना है, आप समझदार हैं, नॉर्मल रिटर्न का काम तो किस पे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे, जब कैपिटल एम्प्लॉयड ही नहीं है तो इसका क्या करूंगा। आगे नई चीज है क्वेश्चन में, शायद आप लोग कर पाए या किसी ने करा हो, गुडविल ऑफ द फर्म, ये क्या हो गया, क्या दिया हुआ है, गुडविल दे दिया, समझा रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक है, अगर आप कर पाए तो बहुत बढ़िया, मैं नहीं करूंगा, ट्राई करते हैं, फिर मैं करूंगा ही, गुडविल दे दी सर, क्वेश्चन जो आप निकालना सिखा रहे हो दिया हुआ है यार, गुडविल कहता हमारी कितनी है, 2 लाख, समझ पाएंगे शायद आपको आता है मैथ, ये उल्टा चलेगा क्वेश्चन, गुडविल 2 लाख है, और गुडविल 2 लाख कैसे आई, 4 ईयर परचेज ऑफ किसके, एसपी, मींस दैट ये 2 लाख कैसे आया, 2 लाख लेके आने के लिए आपने 4 से क्या किया होगा, किसको, ऑब्वियसली आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो इतना मैं तो मुझे लगता है सबके पास आया, 2 लाख लेके आने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, एसपी को, तो एसपी क्या होगा, देखो मैं नहीं बोला, अपने आप बोल रहे हो, 50 सर, 50 नहीं तो यार इधर के डिवाइड नहीं हो जाएगा, इधर 4 मल्टीप्लाई करके डिवाइड, मींस दैट एसपी ऐसे निकालेंगे अपा, सर एसपी भी आ गया, आगे सुनिए, पर चाहिए क्या, ये क्या पंगा है, वो ये फिर पंगा ले रहा है, आप कहते फिर नॉर्मल भी चाहिए, एसपी आ जाएगा, फिर आपको चाहिए नॉर्मल, और नॉर्मल कैसे आता है, अगर मैं गलत नहीं हूं शायद, सिंपल, और इसके लिए एनआरआर आपको पता है कितना, क्या चाहिए, सीआई कैसे निकलता है, अब ये बताओ, जो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके, पर क्वेश्चन में पढ़ो कहीं लाइबिलिटी है तो फिर 0 लाइबिलिटी, तो आप कह सकते हैं जी, बिल्कुल, एक मिनट जी, तो कैपिटल इंप्लॉयड ही क्या आ जाएगा, 3 लाख, क्यों, आपकी टोटल एसेट्स कितनी है ये बताओ, 3, कंफ्यूज करने के लिए श्रेया बोल रहा है इंक्लूडिंग कैश, ओ भाई कैश भी तो एसेट है, कैश कोई बुराई चीज थोड़ी है, कैश इज ऑल्सो एसेट, अगर वो बोलता एक्सक्लूडिंग कैश तो क्या करते, प्रेयर करते कि 3 लाख बिना कैश के है, तो कैश भी एसेट है, तो टोटल एसेट कितनी है, 3 लाख 5, तो ये याद रखना, कंफ्यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कैश इज ऑल्सो अ एसेट, तो नीचे उसने क्या कहा, सर पार्टनर्स कैपिटल कितनी है, 2 लाख। अब थोड़ा सा मैं एक मजेदार चीज दिखाता हूं आपके नोट्स के अंदर, पीडीएफ के अंदर ड्रॉ कर लीजिए छोटा सा, इस तरह से टी शेप, आप जो प्लस प्लस वन में बनाते थे, क्या बनाते थे, बैलेंस शीट, दिस साइड क्या लिखते हो, लाइबिलिटी, छोटा सा बनाऊंगा ज्यादा नहीं, तभी मैं पीडीएफ पे बना रहा हूँ, बुक पे जरूरत ही नहीं है, पीडीएफ पे बना रहा हूँ, बुक पे जरूरत, कॉपी पे जरूरत ही नहीं है, नॉलेज के लिए है। यहां उसने एसेट्स का टोटल क्या बताया है, 3 लाख, नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग जो हमारा चलता है, जिसके अंदर कहता कैश है कितना, 5, तो बाकी 295 की क्या होएंगी, अदर सन्ड्री एसेट, क्या नाम बोलते हैं इसको हम, सन्ड्री एसेट, ये फिर नॉलेज की चीज बता रहा हूं, ये पार्ट 3 जो आपकी बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पे भी थोड़ा सा काम आता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो ये चीज आपने कहा एसेट कैश है, मैं कैश लिख दिया, बाकी मैंने अदर डाल दिया, सर आपको क्या पता अदर में क्या है, तुझे पता है, मैं बता दे, क्वेश्चन को डिफाइन करने की बात है, व्हाट डू यू मीन बाय अदर, इधर उसने मुझे क्या कहा, पार्टनर्स कैपिटल हाउ मच, सर किस पार्टनर की कितनी, मैं बताया ही नहीं भाई, तू क्यों पंगे ले रहा है, समझ ले, हमें पार्टनर्स कैपिटल कहा, हमने लिख दिया, और इतना तो पढ़े लिखे लोग हैं, उसने कहा था रेस्ट हमारे पास क्या चीज है, और इतना पढ़े लिखे लोग हैं, अगर एसेट 3 लाख की है, यू भी तो लाइबिलिटी भी, ये तो जानते हो, प्लस वन से पढ़ रहे हो, दोनों साइड आपस में
तभी बैलेंस शीट बोलते हैं इसको। तो यहां रिजर्व ऑब्वियसली कितने का होगा, उसके बगल में हम क्या लिखते हैं याद है, सिंगल एंट्री में पढ़ते थे बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल निकालते थे, यहाँ कैपिटल दी हुई है तो रिजर्व निकाल दिया। सर आपको कैसे पता रिजर्व होगा, इंग्लिश तो मुझे भी आती है भाई, रिजर्व बीइंग द रेस्ट, बचा कुछ रिजर्व है, बचा कुछ रिजर्व है। मैं एग्जांपल दूं, एक टीम के 100 स्कोर है, एक प्लेयर ने 30 बनाए हैं जो मेन है, बाकी सबने मिला के 70 बनाए हैं, इसमें क्या लड़ाई है, इसमें किसने कितने बनाए हैं आपा के लेना है। हमसे जो पूछा गया मैंने बता दिया कि टोटल बैलेंस शीट 3 लाख की है, जिसके अंदर 2 लाख की कैपिटल है, बाकी का क्या है रिजर्व, फिर 1 लाख ही होगा। मैं के दिमाग लगा रहा हूं कितने का था कैसे है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से कर लो, कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही आएगा कितना 3 लाख। अब शुरू करो कॉपी पे फटाफट मेरे साथ साथ, यहाँ पे 10 नंबर, ये रिवर्स चलेगा बच्चे, रिवर्स चलेगा। पहला पॉइंट तो ये है, गुडविल का फॉर्मा लिखो, एसपी इंटू नंबर ऑफ इयर्स, भव्या क्या लिखेंगे बच्चे, परचेस, क्या आपको गुडविल दिया हुआ है चेक करिए, 2 लाख इक्वल्स टू एसपी तो पता ही नहीं ना भाई, इंटू 4 पता है मुझे, इंटू 4 पता है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, एसपी इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 4, तो इट्स अ 50,000, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, देख लो आराम से, सही है। बट सर अभी तो एसपी आया, वेट तो करो, अभी हमें क्या चाहिए एपी, एपी के लिए पहले क्या चाहिए एनपी, तो वेट, फिर मैं आ गई एनपी, आ जाओ एनपी का थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूं, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर, आराम से लिखो, पूरी प्रैक्टिस है, इसी में इसी क्लास में 2-3 नए क्वेश्चन थे, अगले में सब अच्छे प्रैक्टिस चलेंगे, आपसे करवाऊंगा और आपके बीच में देखूंगा कैसे कर रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड मैं अभी के लिए लिख देता हूं इट्स अ बच्चे 3 लाख, किसी भी साइड से आ जाओ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एसेट चाहे लाइबिलिटी, आंसर रिमेन्स द सेम, कभी फर्क नहीं होगा, आज ही सुन लो। इनटू क्या रेट था एनआरआर का, 10 था ना, 10% चेक करो, 10, ठीक है, तो 3 लाख का 10% कितना हुआ बच्चे 30, तो आप आराम से एसपी की इक्वेशन लिखो, मैं नहीं चाहता अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन चेंज करो, क्यों दिमाग खराब कर, जो आता है वैसे करो, क्या प्रॉब्लम है, मैं तो एसपी की इक्वेशन लिखी मैंने, सुनी एपी माइनस एनपी, एसपी कितना आया था ये बताओ, 50, एपी तो निकालना ही है, कुछ बच्चे यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, ये एपी को निकाल रहे हैं, एक्स ले लें, क्या जरूरत है, एपी बोलो ना, जो जगह खाली है उसको उसी के नाम से बोलो, दैट वे आंसर आएगा, माइनस एनपी क्या दिया हुआ जल्दी बोलो, अब इतना मैथ तो सबके पास होगा भाई, तो ये 50 प्लस क्या हो जाएगा 30, याद है माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एपी इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज माय आंसर, समझो बात, धीरे धीरे करते करते नए भी ले आऊंगा, पुराने भी रखेंगे, हर क्वेश्चन हर वैरायटी का होगा, मतलब पहले क्या एकदम से आसान भी नहीं होंगे, तो मैंने कहा ना आपको टीएस गरेवाल के सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं, आपको अलग से बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं, सारा ही है, एक दिन घर जाके चाहे मैच भी करें ना, किसी के पास होगी दोस्त मित्र के पास, एक एक सेम देन आप कहेंगे, और बिजली डीके के भी एक दो रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, डाउट बताओ यहां तक पहले कोई बोलो, ओके रिपोर्ट है, ये हमारी फर्स्ट पीडीएफ यहाँ पे कवर होती है, एक बार देख लो सारे बच्चे गो थ्रू करके, पेज टर्न करो मेरे सामने, कोई क्वेश्चन दोबारा पूछना पूछो, और मैं कोई छोड़ नहीं रहा, मेरी कॉल है तो 10 के 10 क्वेश्चन आपके सामने पीडीएफ पे हैं, और एक ग्रुप में भी शेयर होगी, मैं भी कल परसों में शेयर हो जाएगी, हो जाए सारे एक बार ग्रुप में भी शेयर करूंगा, किसी ने रखना है सेव करना है अपने पास रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से पढ़ो, कॉपी पे एक बार गलत हो जाता है, समझ नहीं आता, कुछ लिखा होता है मैंने ज्यादा, तो सब मिलेगा आपके अंदर, डन है, चलें, अब सुनो ये मेरे अंडर ओवर है, अब आ जाइए पीडीएफ नंबर 2 फटाफट, आपके तो सामने ही है, जल्दी आइए, मैं क्वेश्चन टिक करता हूं, आप मुझे वो बना कर देंगे, ठीक हो गया, आराम से जल्दबाजी नहीं करेंगे, लो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे सभी करके देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे मुझे अपने आप करके देंगे, और मैं आपको सीरियस बताऊं तो मैं आपको करवा चुका ये क्वेश्चन, मैं आपको ये करा चुका, फटाफट मुझे आप ये करके देंगे, जल्दी करिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड करूंगा, अब मैं ज्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि प्रैक्टिस का काम आपका है, लिखूंगा सारा इस पे, सॉल्व आप करेंगे, चलो अब देखो, 1 अप्रैल को एग्जिस्टिंग फर्म की कितनी एसेट्स हैं बच्चे, 2 लाख इंक्लूडिंग
कोई फायदा नहीं सर। ये क्या आ गया सर, क्रेडिटर। इसको हम कहते हैं जी, यहां पे ना दो तरह की लाइबिलिटी होती है, यहां सुन लो, इनसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। इनसाइड लाइबिलिटी में हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल जैसे लाइबिलिटी वही है, रिजर्व्स जैसे, आउटसाइड लाइबिलिटी में लोन्स क्रेडिटर्स। तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी है 10,000, अब समझ चुके होंगे एसेट में से लाइबिलिटी क्या किया जाता है। तो इससे आएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। लिखो पीडीएफ पे, लिखो बॉस पे सर, पीडीएफ पे लिखो, बाकी बाद में लिखेंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। मैं इसलिए ऐसे लिखवाता हूं कि आपको पीडीएफ तक वर्क करने को मिले। 2 लाख माइनस 10 करके मोनिश कितना आ जाएगा, 190 बचे। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। मैंने इसका नाम सीईबी दिया, सीआईबी दिया, कोई भी नाम दे लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए आगे। अब सुनो, अभी तो क्रॉस चेक कराऊंगा कितना कंफ्यूज करता है क्वेश्चन चेक करना पेपर में। पार्टनर्स कैपिटल शो करता है कितना बैलेंस होना चाहिए, 160, एंड वाइल्ड रिजर्व फंड घनश्याम कितना। कोई बच्चा ध्यान से मुझे टोटल लगा के बताएगा दोनों का कितना आंसर आ रहा है। अभी मैंने क्या कहा था आपको, दोनों का सेम आएगा, आज के बाद गलती मत करना। और जिसने ऐसे लिखा है मेरे सामने, लिख लो ये कौन सी अप्रोच है, ये है एसेट अप्रोच। कौन सी है, क्लास में टीचर कहेंगे आपको कैलकुलेट कैपिटल इंप्लॉयड बाय एसेट अप्रोच। आप कहेंगे जी मैं तो दूसरा कर दिया, आंसर सेम है बट टीचर की बात माननी पड़ती है। अब ये कौन सी अप्रोच है, लाइबिलिटी अप्रोच। फर्क कोई नहीं पड़ता, इतनी लाइनें खराब कर दी, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। चलो आगे, मतलब अल्टीमेटली पहली 3 लाइनों का, इतने बड़ी लाइनों का क्या करेक्ट है, 190 कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। आगे सुनो, नॉर्मल एनआरआर रोनित कितना है। आई थिंक सो, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ चुका, एनआरआर आपको आ चुका, उससे एनपी आ जाएगा, अभी वेट कर रहा हूं। गुडविल अर्नव दी हुई है किसकी, मैं हमेशा फर्म बोलता हूं, कितनी दी हुई है, 36, अभी 2 लाख वाली, एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ क्या। मुझे आपसे क्या चाहिए, करो शुरू कर लीजिए, बाकी को भी करने दीजिए फटाफट। 2 मिनट दूंगा जी सबको, हो गया होगा यार, जल्दी 2 मिनट दूंगा, हो जाएगा नहीं तो करिए। फोर्थ, अब आनी चाहिए भाई, हो गया होगा सभी का, करिए करिए करिए। खुशबू, शिवानी, कोई डाउट है बच्चे बताइएगा। धन है, प्रगन्या, आयुषी, ठीक है। पहली 3 लाइनों का एक ही आंसर था बच्चे, 190, 15% एनआरआर, तुमने कर लिया होगा यार, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। 190 का 15% कितना होता है यार, 28,500, 28,500, गुड वन, गुड वन, 28,500। और गुडविल को रिवर्स कर लिया क्या, 12, एसपी, एसपी 12 आ गया यार, गुडविल 36 दिया हुआ है, 3 साल की परचेज है, 36,000 3 साल की मल्टीप्लाई करने के बाद है। तो पहले एसपी क्या था, 12, और एनपी क्या है, 28,500, 40, चलिए 500, हाँ चलिए 500, ठीक है 4,500। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, PDF 2, ये कॉपी पे जरूर लिखिएगा, डायरेक्टली मत स्टार्ट कीजिएगा, पता नहीं चलेगा। PDF 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्या मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करते हुए इसको इस तरह से लिख सकता हूं, मतलब आपका भी पेपर में काम चल जाएगा। और गुडविल आपको कितना दिया हुआ था, मैंने कहा था 36 डिवाइड बाय 3, तो एसपी क्या आ गया बच्चे, 12, और एनपी को क्या बोल सकते हैं तेजस, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर, और कैपिटल इन्वेस्टेड आपका कितना था जल्दी बताएंगे, 190 का 15%, 28,500। आपके सामने कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा फील आए, यहाँ जी यही था। और बट हमें चाहिए क्या एपी,
अब मैं इनको ऐसे बोल सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप पीछे। तो एसपी क्या आया था? 12,000। एनपी क्या आया? 28,500। तो एपी क्या आ गया? 40,500। आपके सामने छोटा सा 3 लाइन में सॉल्व होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, पहले किया तो ज्यादा नहीं है, 2 बार आ चुका लगातार, 3 नंबर 17-18 नंबर पे आता है, 3 नंबर का हो गया। अगर सभी ने कर लिया हो तो मैं बता दीजिए आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर करिए जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग, 5 लाइन बस हैं, 4 नंबर सभी करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर, मैं PDF 1 बंद कर रहा हूं अपने एंड पे, 4 नंबर ओपन करिए। ए एंड बी पार्टनर कैपिटल दी हुई है जजेस कितनी, 3 और 2, तो टोटल कितनी होगी बच्चे? 5। इतना तो करना पड़ेगा आपको यार, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ओके। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्नड प्रॉफिट, गलती मत करना, इसी को एपी मानते हैं। सही तो अर्नड लिखा है, मे बी फर्स्ट ईयर हो बच्चे कंपनी का, फर्म का पहला साल हो तो यही एवरेज बन जाएगा, और कैसे करेंगे एवरेज पे, समझे नहीं? एक बार पेपर हुए हैं, कैसे एवरेज करेंगे, वही नंबर है। और कितना प्रॉफिट है? 150। कैलकुलेट करो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन। नोट करना किसको कैपिटलाइज कह रहा है, ऐसा नहीं कुछ भी कर देना। हाँ अच्छी बात यह है कि आंसर सेम आता है, बट वेट करना। अज्यूमिंग रेट क्या चल रहा है मार्केट में? 20। तो मेरा सिस्टम क्या है, पहले तो मस्ट यू हैव द फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी इज इक्वल टू, ये मेरा पहला रूल है, ये नंबर नहीं कटने चाहिए यार किसी भी तरह से, फ्री के मार्क्स हैं। इस तरह से एपी अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर गलत नहीं हूं तो एपी आई थिंक 150 था, एनआरआर 20 है क्या, याद है ना, डिवाइड बाय 20, ऊपर 100 आ जाएगा। सर मैं 0.2 लिख दूं, आपकी कॉल, आपको ऐसे अच्छा लगता है तो आप कर लीजिए, पर मुझे ठीक लगता है राउंड ऑफ करने में। डिवाइड बाय 20 × 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या दिया हुआ है? 5। क्वेश्चन में 3 + 2 दिया हुआ है कैपिटल जोड़ के। सर इस टाइम रिजर्व नहीं है, नहीं होगा, फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है, रिजर्व नहीं है तो रहने दोगे, कोई इशू नहीं। तो दिस इज, इसको सॉल्व करो। तो मैं इसमें चलो बाद में कराता हूं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं 20 के टेबल पे ये कटिंग हो जाएगा 5 पे, 20 के टेबल पे 5 पे, तो 150 × 5 कितना होता है जी? 750 माइनस 5 लाख, डन हो गया। और इसी में वैसे कल चेक करा दिया था, क्रॉस चेक आंसर सेम आएगा, अभी भी आएगा, अभी करेंगे। यहां तक कोई डाउट है पूछो सर, बड़ा छोटी स्पेस पे हो गया है तो बड़ा छोटे से में ही स्पेस हो गया, चेक करिए, चेक करिए। एपी अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको कैपिटलाइज करने को कहा गया उसी को करिएगा प्लीज, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये मैंने कहा था कि अगली क्लास में, कल ही कहा था आपको लास्ट क्लास में, क्वेश्चन काफी जल्दी चलते जाएंगे और आप बड़े आराम से कवर करें, 2-3 छूटेंगे वो बड़े हैं, मैंने कराने बात है, और सारे कवर हो जाएंगे। चलो आगे चलिए, 5th नंबर सभी करके देंगे अपना अपना जल्दी, और 5th के बाद जिनका हो गया वो 6th भी करेंगे, 5th और 6th सारे पार्ट बचे, सारे पार्ट 5th और 6th। देखो जो काम आप सकते हैं आप करोगे, बाकी मैं कराऊंगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ सास आपकी। 5th क्वेश्चन, यही आपके होमवर्क खत्म हो जाएगा, मेरी घंटी है घर के, तो बाकी बात है यहीं पे खत्म। 5th क्वेश्चन, प्रॉफिट दिए हुए हैं पार्टनरशिप के 6 इयर्स के, फर्स्टली चेक दैट 6 ईयर है, और इसको करना सीखो ऐसे, स्टार मार्क लॉस है, हाईलाइट किया करो, ये गलती हो जाती है, लॉस है हाईलाइट करो, तभी तो PDF देने का फायदा आपको, इस पे पूरा वर्क करो, तभी स्पेशल PDF है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सर हमें फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसके बगल में मैं लिख रहा हूँ CE, सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट इसको मैं क्या लिख सकता हूं? NRR, थोड़ा हैबिट बनता है। 15 गुडविल निकाल के देना है, 4 ईयर परचेज ऑफ एपी, 4 ईयर परचेज ऑफ एसपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी, और इन दोनों का आंसर यू बेटर नो दैट सेम आएगा। करिए स्टार्ट, 4 आंसर आएंगे, 4 आंसर आ दिए, और जर्नल लाइन वाइज है क्वेश्चन, आपके सामने रख दिया मैंने, आपके सामने है। मैं अपना शुरू हो जाता हूँ, 5th नंबर है, पहला काम तो
एपी है, जितना अच्छा लिख पाए उतना बढ़िया। नंबर ऑफ इयर्स, प्रॉफिट देख पा रहा हूं मैं 20, 60, 60। क्या क्या प्रॉफिट है जी? 20, 60, 10 का लॉस, और फिर 60, फिर 50 प्लस 72, 50 प्लस 72 डिवाइड बाय 6, 20, 60, 80, फिर 10, 70, 70 प्लस 60, 130, 130, 180, 180, 252, 252। तो इस चीज में मुझे किसी की गलती नहीं चाहिए। 252, 252 डिवाइड बाय 6, 42, सही है, 42। दिस इज एपी। लगे हाथ अगला काम भी कर लेते हैं, एसपी भी, फिर सारे इकट्ठे निकाल देंगे। अगला पॉइंट, पहले वैसे एनपी निकालना चाहिए। एनपी का फॉर्मूला क्या होता है सभी बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू बचे। अगर गलत नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर कितना दिया, चेक करना, 2 लाख है, चेक करिए। और एन आर आर कितना दिया है मुझे बताइए, एन आर आर 15। ओके, तो 2 लाख का 15 कितना होता है जी, 30। और लगे हाथ ये भी लिख दो, एपी माइनस एनबी, तो 42 माइनस 30 इट्स 12। वर्किंग नोट है पहले बना के रख लिया, तो मल्टीप्लाई करना है, जस्ट खत्म करते हैं, शुरू करते हैं आंसर्स देने। पहले ये मेरी वर्किंग्स थी, अगर आप देख पा रहे हैं सभी लोग स्क्रीन पे, ये मेरी वर्किंग्स थी, सब काम रेडी है बच्चे, अब स्टेप है यार, एक एक करके। यहां तक सबका ओके है, मेरे बराबर है सभी लोग, ठीक है। अब शुरू करते हैं ए का आंसर, बताओ जी उसने पूछा क्या था। गुडविल, एपी इंटू हाउ मेनी इयर्स, 4। तो एपी कितना था अनुज, 42 था, इंटू 4, गलती मत करना जो पूछा जाए, 42 इंटू 4, 168, 1,68,000। बी पार्ट में भी आपसे क्या मांगा गया था, गुडविल, एसपी इंटू 4, एसपी क्या था आपका, 12 इंटू 4, हाउ मच बचे, 48। सी में भी आपसे क्या मांगा था, कैपिटलाइजेशन, लिखेंगे पूरा अच्छे से लिखेंगे, एपी डिवाइड बाय एन आर आर, एपी डिवाइड बाय एन आर आर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और एपी क्या था, एक मिनट जी बस, 42 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 माइनस 2 लाख, ये बता यार यूवी कितना आ रहा है, 42 डिवाइड बाय 15 करके मतलब करा नहीं मैंने, 280, 280 आ रहा है। अच्छा 280 आ रहा है, आंसर 80 है इसका, 280 आएगा, 280 माइनस 2 लाख इक्वल्स टू क्या आ गया जी, 80। और इसी की, हाँ जी तो मैं देखूंगा बच्चे, एक मिनट बस, लास्ट स्टेप है। गुडविल कौन से मेथड से है, जल्दी बोलना जी, एसपी को कैपिटलाइज करना है, तो कहते अभी कराते हैं जी। एसपी कितना था मुझे ये बताओ, 12 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, बिना कहे गारंटी है सर, आंसर रिमेन सेम, चेक कर लीजिए, बाकी नहीं आया तो मुझे बताइए, वैसे सेम सेम आएगा, ये चारों आंसर स्क्रीन पे आपके सामने, कोई नई चीज समझ आए तो बताइए। दाना जी देख लो, कुछ रहता है तो मुझे बताइएगा। 6 सभी ने करना है, नहीं 7 ही, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 कर सकते हो, 9 और 10। लो जी बताओ, 5 में किसी को डाउट है तो बताइए, भव्या कोई डाउट बचे, लास्ट में रोनित, मोनीश, मनस्वी, ओके नीरव, अभिषेक, सबको बोलो ओके। चलो आंसर आपके सामने है, ये पीडीएफ में ग्रुप शेयर होगा आपको, जो पेंडिंग छोड़ रहा हूं मैं नहीं करवाना, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कारण नहीं, बाकी रेस्ट आप जितने करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्लस आता है यार, मुझसे हो रहे हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी है, वैसे ही ड्राई जाओ बच्चों को उसका फायदा है।
तो आपके सामने हो रहे हैं, इतना ही लेवल है, ज्यादा लेवल है ही नहीं। चलिए अब सिक्स नंबर सभी में साझा करेंगे, वेटेड एवरेज का है, जिनका फर्स्ट लेक्चर मिस हो गया था कवर हो जाएगा, अब कवर हो जाएगा। आइए और गलती नोट करिए, जो मैं फर्स्ट लेक्चर कह रहा था टीचर आपसे गलती कराएगा, किस तरह से सुनना। प्रॉफिट अर्नड दिए हुए हैं बट रिवर्स दिए हुए, पहले 16 फिर 15 फिर 14 देन 13, तो आप ठीक करके लगाइएगा 13 14 15 16। ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं। आगे गुडविल निकालो, हाउ मेनी ईयर परचेज, 3 ईयर, वेटेड एवरेज, वेट्स 1 2 3, और लिखा भी है ये वेट्स कैसे कैसे यूज करने हैं। आप ना भी बोलते सर तब भी मुझे पता था कि वेट्स कैसे यूज करने हैं। अब आ जाओ कॉलम पे, सिक्स कर रहा हूं मैं तो, अभी सिक्स कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं। लिखो पहले कॉलम्स बनाइए, ईयर्स, प्रॉफिट्स, जिनका सिक्स्थ हो गया जी, और नाइन्थ और टेंथ करेंगे जिनका सिक्स्थ हो जाए, वेट्स, और नेक्स्ट है प्रोडक्ट। आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, ईयर्स, प्रॉफिट्स, वेट्स, प्रोडक्ट। ईयर्स कौन से थे, 13 14 15 16, चेक करो 13 14 15 16। प्रॉफिट्स क्या थे, 81 लाख, यहां पे 80, यहां पे 1 लाख, यहां पे 110, और यहां कितना था बच्चे, और मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था ये प्रॉफिट्स ऑलवेज क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज। चेक करिए, हाँ नॉट बाय सेम रेशियो, 80 से 1 लाख हुए, 1 लाख से 110 हुए, 110 से सीधा 150 हुए, बट बढ़ेंगे। वेट्स मैं बिन कहे सर ऐसे ही करता, ये पॉइंट है। 1 2 3 4 कितना टोटल हो जाता है इनका, 10, मल्टीप्लाई करिए, 80 into 1 कितना होता है बच्चे, 80, 1 lakh into 2 कितना होएगा, 2 lakh, 110 into 3 कितना होएगा, 30। करिए सभी लोग, थ्री थर्टी, 150 into 4, इन सबको ऐड करो, 280 880, एक मिनट जी, 12 10, 12 10, एक मिनट जी, बस 12 lakh 10, 12 lakh 10, और यहां पे प्रॉपरली लिखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, पूरे अच्छे से करिए, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, तो 12 lakh 10,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे, 1 lakh 21, बट क्वेश्चन इज स्टिल ऑफ गुडविल, तो इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकता हूं क्या, WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स, क्या लिखूंगा जी, परचेज, 1 lakh 21 into 3, सेम आ रही है। दोनों अमाउंट में सेम आ रही है, चेक कर लेते हैं अपन, चैप्टर ही आएगा अभी, देखते हैं क्या, तो भी टाइपिंग रन हो गई, देखते हैं अभी अभी पढ़ूंगा मैं, फिर एक बार चैप्टर दिखा रहा है, सेवेंथ कर लूंगा नहीं सेवन, उसमें रिस्पेंस ज्यादा है, वो मैं करवाऊंगा। हेलो एवरेज 42 आया था कृष्णा, एनपी 30 आया था, एसपी 12 आया था, बताओ जी डाउट लास्ट में, रोनित, आर्यन, योगी, कोई डाउट, सही, फिफ्थ एंड सिक्स आपके सामने है, किसी को डाउट है बताइए भैया, ओके बच्चे, सिक्स नंबर आपके सामने है, कोई डाउट है आपके सामने, क्लियर है। अब ये रहा, सेवन नहीं करना, एट नहीं करना, अभी तक अपना फर्स्ट एंड सेकंड छोड़ा अपन, और सेवन तो एट छोड़ा अभी तक, ओके आ गई, ये
एट भी जाते हुए आपसे करा दूंगा, इजी है बट एक कंसेप्ट है छोटा सा उसके अंदर। लो पहले नाइन पे आओ जल्दी, सभी लोग जल्दी खत्म करते हैं इसको। एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर, तो धन्यवाद सर खुद ही देखे जा रहा है, 80,000। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हाउ मच, 10। थोड़ा सा रिवर्सिंग क्वेश्चन है, अगर हमने कर लिया हो किसी अच्छी बात है। गुडविल फर्म की 1 लाख, 4 ईयर परचेज ऑफ किससे, शायद समझ गए होंगे एसपी आ जाएगा हमें। ये क्या बोल दिया यार, हमें इस बार नई चीज चाहिए ना, प्रॉफिट चाहिए, एसपी भी आ जाएगा, एपी भी है, कैसे करेंगे हमें कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए, कैपिटल इंप्लॉयड रिवर्स मल्टीप्लाई करके इस बार आप लोग एनपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एनपी, क्योंकि एनपी किससे आता है, कैपिटल इंप्लॉयड का परसेंटेज, तो आप उसी एनपी को आज क्या कर देंगे कैपिटलाइज, उससे क्या आ जाएगा आपका कैपिटल इंप्लॉयड। और एक गरेवाल में स्पेशल क्वेश्चन है, स्टारमा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, पहली बार पेपर में आया था, वरना हमेशा एपी एनपी एसपी पूछते हैं, इस बार नया उसने पूछा था कैपिटल इंप्लॉयड। अब करो शुरू कैसे, पहला पॉइंट तो गुडविल से शुरू करो, नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा है, 9 है, लिखो गुडविल इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गुडविल आपको दिया हुआ है शायद, एसपी इनटू नंबर ऑफ अनुज क्या दिया हुआ है, परचेज, गुडविल देख के बताओगे क्या दिया हुआ है, गुडविल 1 लाख है, गुडविल दिया हुआ है जी 1 लाख, एसपी हमें आ जाएगा, ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है 4, तो मैं रिवर्स मल्टीप्लाई करके एसपी बता सकता हूं आपको, 1 लाख डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, 1 लाख डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, कितना आ गया जी 25। और गलती नहीं चाहिए, अभी ये एसपी आया बट क्वेश्चन में आपको एपी दिया हुआ है, नथिंग टू चेंज सर, कुछ हो सकता था उसका भी कुछ एडजस्टमेंट बोल जाए, हाँ वही अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू कुछ भी करा दो, पॉइंट मिक्स कर दो, बट मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए जल्दी बोलेंगे, एनपी, अगर गलत नहीं हो तो क्या मैं ऐसे कर दूं, एपी माइनस, जल्दी बोलना, एपी माइनस एसपी, सर ऐसे याद करने पड़ेंगे सारी लाइन, आप एक लाइन याद कर लो, वही एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे मर्जी कर लेना, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके लिए, वरना लाइन वही है मेरे को, ओके अगर चाहते हो तो मैं उसी अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, उसी अकॉर्डिंग, मैं बार बार याद कराना नहीं चाहता, जैसा पढ़ा जाए वही सीखो, एपी माइनस एनपी, यहां एसपी क्या दिया हुआ है 25, और एपी कितना है जल्दी बोलेंगे 80, तो पैसे कर लो यार मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो एनपी इक्वल्स टू 80 माइनस क्या हो जाएगा जजेस, आई थिंक सो ये 55 आ रहा है बच्चे, और गलती मत करना, मैथमेटिकली करा रहा हूं क्रेमिंग नहीं, एनपी का फॉर्मूला आप मुझसे पहले जानते हो, कैपिटल इंप्लॉयड लिखो इनटू इनटू एनआरआर जो दिया हुआ है, आप तो वही कर रहे हैं यार, एनपी कितना दिया हुआ है ये बताओ 55, सीई तो पता ही नहीं, एनआरआर कितना है, एनआरआर 10%, तो आप समझ सकते हैं मेरी बात को, 55,000 इंटू 100 बाय क्या हो जाएगा 10, रिवर्स याद आ गया ना, उल्टा पटके हो जाएगा, तो कटिंग करके यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 550, और यू कैन ऑल्सो क्रॉस वेरीफाई 550 का 10% कितना होता है 55,000, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें सीबीएसई कर देता है, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो एक बार आपके सामने रख दिया, क्वेश्चन नंबर है 9, देखो कोई डाउट है पूछो, एपी एनपी तो होती थी हमेशा, इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड मांग लिया, तो अपने वो भी कर दिया आपके सामने, डन। अब करते हैं जिसका लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ इसमें क्या डाउट है देखते हैं बच्चे ने कहा, आइए मैसर्स हाईटेक इंडिया एसेट्स है 5 लाख, ओके वेयर एज लाइबिलिटीज आर, पार्टनर्स कैपिटल है 350, जर्नल रिजर्व है 60 एंड क्रेडिटर्स है 90, कहाँ सेम है भाई, वेट सेम तो है, सेम तो है, ठीक आ रहा है, हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं, इफ नॉर्मल रेट 10% एनआरआर,
गुडविल ऑफ दी फर्म अगेन दी हुई है 98 टू ईयर परचेज ऑफ किस, या करा दो क्वेश्चन हमारा ये एपी। हाँ रही बात आपकी, आपने जो पूछा है कैपिटल इंप्लॉयड आपके सामने है बच्चे, पहला फॉर्मूला एसेट माइनस कौन सा लाइबिलिटी, मुझे एसेट्स का अमाउंट बताइए कितना दिया हुआ है, 5 लाख नहीं एसेट्स का बच्चे, एसेट्स 5 लाख माइनस लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है 90,000 माइनस करो 5 लाख माइनस 90 कितना आ जाएगा 410, लिखो लिखो 2 मिनट, 5 लाख माइनस 90 इक्वल्स टू 410, आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं। वैसे अब ये कौन सी अप्रोच है दोबारा फिर बोल दूं, ये मुझे वैसे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कह रहा हूं कि आपके दोस्त मित्र या स्कूल में टीचर ऐसे बात करते हैं कि एसेट अप्रोच, तो आपको पता हो कि हाउ यू से दैट कि एसेट, कुछ नहीं यार एसेट माइनस लायबिलिटी कर दो एसेट अप्रोच है, और कुछ नया नहीं है इसके अंदर, आज ही आपको क्लैरिफाई कर दूं एसेट अप्रोच। और इसी को अगर मैं लेके चलूं किसके थ्रू, लाइबिलिटी अप्रोच, तो कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूं आपके लिए, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और पार्टनर्स कैपिटल अर्नव कितने दिए थे 350 प्लस रिजर्व्स कितने थे 60, अगेन इट्स 410, यही तो कह रहे थे बार बार सेम आएगा, अलग अलग हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बल्कि एक छोटा सा कंसेप्ट है टीएस गरेवाल में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को लेके, थोड़ा वाइड है, उसी में यूज होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, जब बात चलेगी बुक के अंदर देन उसकी बात करेंगे, फिर बाकी सारा चैप्टर आपका कंप्लीट होएगा रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट्स। चेक करिए 410 आपके सामने है और सभी मुझे इसका आंसर करके देंगे अपना अपना जल्दी, ये लो मैंने नहीं करा जी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, आप मुझे इसका आंसर देंगे। 410 आपका है कैपिटल एम्प्लॉयड, मार्केट रेट है 10%, गुडविल 90 आपको दिया हुआ है, टू ईयर परचेज ऑफ एसपी, मुझे एपी चाहिए 86, गुड वन, अगर कर लिया तो अच्छी बात है वरना कर लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं, पहला काम तो एसपी निकालो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 अगर सभी लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 गुडविल कितना दिया हुआ था बताओगे 90, तो 90 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 45, ये आ गया आपका एसपी। अगर मैं आपसे कैपिटल इंप्लॉयड की बात करूं तो मैंने वहां बता दिया 410, 410 का 10% कितना होएगा बचे 41, ऑरली फटाफट करना हो, बट चाहिए क्या एपी, तो आप समझ सकती हैं एनपी प्लस एसपी 45 प्लस 41 तो ये कितना आ जाएगा जी 86। चेक कर लीजिए, इतनी सी बात थी, मतलब दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन एपी का, या उल्टा आ सकता है पेपर में एसपी का, एक नया आया आज कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के ऊपर, फटाफट चेक करो, कोई डाउट है मेरे पे बताओ, आराम से देख के बताओ, पूरा चैप्टर आपके सामने फिनिश अप होएगा एक एक करके, हो गया डन है, करो करो एसपी गुडविल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, किससे डिवाइड किया आपने परचेज, या को पता होना चाहिए, तो एसपी आ गया 45, कैपिटल इंप्लॉयड आपको दिया हुआ है 410, कैसे आया वैसे मुझे इसकी वर्किंग यहाँ पे करनी चाहिए, आपको शीट पे करा दी एक ही बात है, प्रैक्टिस अभी तो और होगी, तो बुक से प्रैक्टिस होगी तो मेरे क्वेश्चन आए तो देन पेपर फाइनल होता है जाके प्रॉपर, मतलब पेपर में प्लस वन से बहुत ज्यादा चेंज है प्लस टू में, मजेदार चीज ये है सारा कंसिस्टेंट है, ये मजेदार है, ये नहीं कि ट्रायल पढ़े कुछ और, कैश पढ़े कुछ और, बीआरएस पढ़ी कुछ और बात, और डेफिनेशन पढ़ी कुछ और बात, या एक चीज पड़ी हुई डिटो सेम काम आएगी चेंज इन पी एस आर, वही काम आएगी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन, ये फर्क है बस थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ बट चलेंगे अपने स्टाइल में, थोड़ा थोड़ा बीच में फंडामेंटल भी करते रहेंगे थोड़ा ये भी, और डराने के लिए मोस्टली फंडामेंटल स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों को, बच्चे डर जाते हैं कि हाँ ये क्या है, इतना मुश्किल है, शायद उसी टीचर को पढ़ाना आता है वो इतना एक्सपर्ट बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी तरीके से उसको कवर करेंगे, ज्यादातर बच्चों का बेड़ा करके वहीं पे कर देते हैं,
जबकि उसकी जरूरत होती नहीं। पूरे पेपर में रिकॉर्डिंग आगे 4 से 5 नंबर का था, पर पेपर में 100 पेज के करीब, इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उसका एक स्टाइल है करने का, धीरे धीरे करके उसको कवर करेंगे। जैसे उसमें 5 कंसेप्ट हैं, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कभी नाम सुना हो अभी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। फोर्थ हेडिंग है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन, थोड़ी सी उस तरह नहीं इस तरह वाली। और लास्ट है गारंटी प्रॉफिट, जब पार्टनर्स गारंटी दें एक दूसरे को कि मैं तुझे इतने पैसे कमा के दूंगा, मतलब 5 कैटेगरी हैं। मैं धीरे धीरे बीच में आपको कभी आईओसी, कभी आईओडी, कभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन कराता रहूं, देन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8। सुनो नया क्वेश्चन आज मुझसे, आइए 8 स्टार्मा कर लीजिए। पेपर का क्वेश्चन है सीबीएसई का, सेम पेपर का क्वेश्चन है, वहीं से लिया गया है, फटाफट देखिए 8 नंबर। नई चीज बताता हूं 8 में क्या खास बात है, थोड़ा ज्यादा हाई लेवल ना हो जाए उतना कंट्रोल करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा लेवल का कंसेप्ट है। सुन लीजिए एक बार, करें शुरू, लो सभी साधे। भरत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन रिटेल बिजनेस, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनते जाना ध्यान से, नया क्वेश्चन है। बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट, पहले तो एक नया टर्म आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या चीज है सर? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो सुना है, करंट अकाउंट का बैलेंस। अब थोड़ी थ्योरी, अब नोट्स पे ऐड कर लीजिए, यहां स्पेस है मेरे पास, पहले पढ़ दूं, चलो। 31 मार्च को कैपिटल ये रही, करंट ये रहा, और भरत एंड भूषण के दोनों के बैलेंस। नीचे कहता फर्म अर्न करती है एवरेज प्रॉफिट कितना 90, रेट कितना 10%, क्या निकालिए? बल्कि एक लाइन मिस है अभी, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो है ही नहीं, तो यहाँ पे अपने लिए अपन ऐड कर लेते हैं, ये लिखा नहीं हुआ, टॉप पे अज्यूम लिखिए, अज्यूम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आर 2 ईयर्स, आर 2, अज्यूम, मैं पहले बोल रहा हूं पेपर में 3 हो 4 हो, वो तो मल्टीप्लाई करना है यार, नंबर ऑफ ईयर परचेज आर 2, ये बोल दिया मैंने, चलो हो गया अज्यूम, लिख लो ये, लिख लो। अब नीचे चार्ट बनाओ इसके, यहाँ पे सेंटर में हेडिंग दो कैपिटल, सेंटर में हेडिंग दो कैपिटल, आराम से लिखो, कुछ भी तो 3 मान लो, मैंने कहा लिखा नहीं हुआ ना क्वेश्चन में, 1 ला लो 2 ला लो 3 ला लो, क्वेश्चन में स्प्लिट ये हो गया होगा, 2 रह गया होगा, या 3 ले लो 4 ले लो, मल्टीप्लाई करना। अब लिखो कैपिटल, लिख दिया, इसके 2 एरो ड्रॉ कीजिए, कैपिटल 2 प्रकार की है, बिल्कुल सही। नंबर 1 है फिक्स्ड कैपिटल, आराम से लिखिए, जब चर्चा होगी तो आपको पूरा समझाया जाएगा यार, जितना लेवल बच्चे का उतना रखना चाहिए। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अब इतना नाम तो सुन के ही नाम तुक्का बच जाता है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है। अब बच्चा 2 मिनट रुके सोचे ना एक बात को, सारी बात का आंसर आ जाएगा, सर कैपिटल फिक्स ऐसे होती है, हर साल कैपिटल चेंज होती है सर, प्रॉफिट नहीं ऐड करते आप लोग, प्रॉफिट आते हैं लॉस हो जाते हैं। पार्टनरशिप में एक वर्ड आपने किसी ने स्कूलों में थोड़ा सुन रहा होगा, सैलरी सुलरी मिलती है पार्टनर्स को, आईओसी भूल गए, प्लस वन में पढ़ के आए थे, कैपिटल बैलेंस शीट याद करो, ट्रेडिंग पीएनएल के बाद बैलेंस शीट बनाते थे, कैपिटल एड बाहरी चला जा, ऐसा पागल यार, क्लास का माहौल रख, माहौल खराब करता है, तेरे दोस्त है तुझे मिलेंगे भाई, जितने भाई जफियां डालूंगा 6:30 के बाद, कहीं भी घूमने जाओ रोका है। तो 2 तरह की कैपिटल है, एक है फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग नाम से पता क्लियर हो गया, हर साल कैपिटल का बैलेंस सेम नहीं होगा, हो भी नहीं सकता, आज ही सुन लो, सर होता भी नहीं था, होता भी नहीं था, याद कर लो, प्लस वन का फाइनल काउंट ट्रायल में क्या दिया होता था, कैपिटल, ट्रायल में क्या दिया हुआ है, कैपिटल। आप बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखते थे उसमें ऐड क्या करते थे, सोच के बताओ, प्रॉफिट, माइनस क्या करते थे, ड्रॉइंग्स या लॉस, चेंज होती थी कैपिटल, तो फिर वो तो हो गई फ्लक्चुएटिंग। बट आज पार्टनर्स का मन कर गया तो क्या गलत कर दिया, कि हमारी कैपिटल शुड भी क्या होनी चाहिए, फिक्स। तो सर मुश्किल है, प्रॉफिट तो होगा, प्रॉफिट गोली मारो, लॉस तो होगा, ड्रॉइंग्स तो करते ही होंगे, ये तो ड्रॉइंग से बंद कर दोगे, तो मैं कहूँ कैसे करें, कहते एक काम करो, एक और अकाउंट ओपन कर लो, उस अकाउंट का क्या नाम रखा, करंट अकाउंट। पहली बात तो एक नॉलेज का पॉइंट,
करंट अकाउंट ओपन ही कहां होगा, कॉमन सेंस की बात है, जहां कैपिटल क्या होगी वरना नहीं होगा, बड़ी प्रूडेंस की बात है, जहां कैपिटल फिक्स होगी वहां करंट अकाउंट ओपन होगा ही होगा। अब मजेदार किस्सा सुन लो, मजेदार किस्सा, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? सभी ने क्रेडिट बोला, देखो बिल्कुल सही कहा, अगर कैपिटल फिक्स है फिर तो ऑलवेज क्रेडिट होगा यार, कैपिटल ही जब फिक्स कर दी फिर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। बट जो करंट अकाउंट है, नॉलेज के लिए बता दूं, उसका कोई भी बैलेंस होता है, मे बी डेबिट मे बी क्रेडिट, मे बी डेबिट मे बी, बट नथिंग मेंशन, चेक करो कैपिटल तो होगी यार, ये ऑब्वियसली मैं कसम का कह सकता हूं ये कैपिटल पक्का कौन सी है, ग्रंटेड है मेरी। ये क्या बैठा है, यूं कर रहा है यहां पे, ये क्या कर रहा है, अगर फ्लक्चुएटिंग होता दोनों ऐड करे होते, मतलब 250 जो भी। अब पॉइंट ये है, करंट अकाउंट दिया हुआ है, ये करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, नथिंग मेंशन, हम दोनों का कौन सा बैलेंस मानते हैं जी, क्रेडिट, क्या मानते हैं, यही नया पॉइंट था बस। सर डेबिट होता तो माइनस करते, नेगेटिव बैलेंस पे कैसे प्रॉफिट निकालूंगा, कैपिटल तो नेगेटिव है, तो नथिंग मेंशनड। अब जो शुरू करूंगा फंडामेंटल तो ये बात फिर आएगी, कैपिटल दो प्रकार की, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। सर प्लस वन में तो ऐसी बात करी नहीं, मगर दिमाग से सोच के देख, प्लस वन में पार्टनर थे, एक ही तो बंदा था, फिक्स करके क्या करोगे, तो एक ही बंदा, आप घर में अकेले रहे, किसी को दिखाने के लिए रहना, जिस दिन आप घर पे अकेले होते हो, चलो बात करनी नहीं चाहिए, किस माहौल में होते हो, पागलपन मर्जी के, कोई दिक्कत है किसी को, घर में दो बंदे हो सिस्टमेटिक, तीन हो तो और थोड़ा सिस्टमेटिक, मम्मी पापा है तो और सिस्टमेटिक। सेम चीज यहाँ पे है कि जब है ही अकेले तो किसको कैपिटल फिक्स करनी, अपना ही प्रॉफिट, अपनी ड्राइंग, अपने ही लॉस, अपने ही आईओसी, अपनी आईओडी, या तो पार्टनर है यार, सब पार्टनर्स की कैपिटल अलग अलग होगी, सबका आईओसी अलग अलग होगा, सबके ड्राइंग सेम होगी क्या, कोई ड्राइंग कम करेगा, कोई ज्यादा, प्रूडेंस मान लो कोई ड्राइंग ज्यादा करेगा, तो सबका सेम नहीं हो सकता। तो हमने उनको कहा भाई फिर रूल तो ये है, मैं तो कैपिटल फिक्स करूंगा, मैं क्या तू अजीत पकड़ के बैठ गया, फिर हम लेन देन कैसे करें, आपस में जो पैसे पूछे देने करने हैं अलग करो, एक अलग अकाउंट ओपन करा, जस्ट लाइक एस कैपिटल अकाउंट, नाम चेंज क्या कर दिया, करंट, बस करंट अकाउंट का एक फीचर दिया, वेदर ये मे बी डेट मे बी क्रेडिट बैलेंस। तो अब नथिंग मेंशन मैंने कौन सा बैलेंस कहा, क्रेडिट, मींस दैट अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इन चारों को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। करिए खत्म करिए, बस दो मिनट लगेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, देन आपकी पूरी क्लास में तीन क्वेश्चन बचेंगे, 1 and 2 and 7, और नेक्स्ट क्लास में लूंगा, एंड आपको दो क्वेश्चन और कराऊंगा जो पेपर में आए थे, जो मैंने आपको कहा था पूरे 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर आपका पैक हो जाएगा विद 22 क्वेश्चन के साथ, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। और अगली पीडीएफ जो आपके बुक में है नोट्स में इज द नेक्स्ट चैप्टर चेंज इन, यस सर, उस दिन भी बच्चों ने डाउट पूछा था, टीएस गरेवाल में अलग से चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डीके गोयल में चेंज इन पीएसआर चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग, ये क्वेश्चन नहीं मेरे तो मुझे बता देना, ओके अब खत्म करो, लिखो क्वेश्चन जल्दी, पहली चीज आप क्या निकालेंगे बताओ, लिखो एपी इज इक्वल टू, फटाफट दिया हुआ यार, एपी इज इक्वल टू 90, फटाफट लिखो एपी इक्वल्स टू 90, और यहां पे एक लाइन पूरी कर लीजिए, नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या लिखा है 2 ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहां वर्ड ऐड कर लीजिए, मैं इसको आगे लग लेके जा रहा हूं, ये सुपर प्रॉफिट का 2 times, वरना नथिंग मेंशन था तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता, सर आपको कैसे पता, तो ये असम्पशन है, पहले कह रहा हूं असम्पशन, पेपर में ऐसा नहीं होगा, वहां पर लिखकर जाएगा। चलो खत्म करो, लिखो जी एपी इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जस एट है, एट है, लिखिए जी एपी इज इक्वल टू कितना था, 80 90 कितना, 90। चलिए अगला पॉइंट, एनपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो पहले, कैपिटल इंप्लॉयड या इन्वेस्टेड एक ही बात है, एनआरआर, और यहां आपके लिए लिख रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती मुझे, पार्टनर्स कैपिटल प्लस करंट अकाउंट्स प्लस बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स, ये गलती नहीं चाहिए मुझे, आपके लिए लिख रहा हूं, और इनटू रेट क्या था मुझे कोई बताएगा, 10 है क्या, 10, और कैपिटल देख के बताओ पहले की क्या थी, 2, करंट अकाउंट क्या था उसका 50, और दूसरे की कैपिटल क्या थी 240, और यहां कुछ बच्चे डाउट लेते हैं सर ये कैसे,
पहले की कैपिटल 2 लाख, दूसरे की 240, यार हो सकती है फिक्स का है सेम थोड़ा का है, आधी लाइन समझते हो, फिक्स का है सेम थोड़ा का है, मेरी कैपिटल 10 लाख है, धीरे सर की 5 लाख है, फिक्स है सेम नहीं है, तो 240 प्लस 10। और ये बाय चांस ली मैच कर रहा है, कोई बच्चा क्रैमिंग ना करे, चल ये भी तो 2 प्लस 50 250 हो गया, 240 प्लस 10 250 हो गया, बाय चांस हो गया, क्रैमिंग मत करिएगा, बहुत चीजें चेंज होंगी अकाउंट में। टोटल क्या हो गया बच्चे इसका? अच्छा 5 लाख का सभी, आवाज नहीं चाहिए कृष्णा, 10% कितना होएगा? 50, दिस इज एनपी। ऊपर क्या आया था? एपी, लिख लो सभी लोग अगर कर रहे हैं तो, एपी माइनस क्या करेंगे एनपी, 90 माइनस 50, तो कितना एसपी आ गया? 40। एक मिनट आराम से यहाँ पे रुक के चेक कर लो, मैं काफी आगे ले गया, उसने वैसे कलेक्शन गुडविल कहा था, आधी चीज बताई नहीं, एक लाइन हमने ऐड करी और कुछ ऐड नहीं करा, अज्यूम नंबर ऑफ ईयर परचेज आर 2 ऑफ एसपी, बस यहां तक डाउट है पूछो, सही है, देख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, क्या करोगे गुडविल? एसपी क्या आया जी? 40 इंटू कितने की परचेज कहा मैंने? 2। सर अगर यहां पे एक बार कर लो यहां तक, जसवंत सिंह लूंगा मेरे खत्म है कंसेप्ट, यहां पे सर अगर यहां पे लिखा होता, इसके आगे थोड़ा रब कर देते हैं, ये थोड़ा रब कर देते हैं, बाकी बात तो चलो बात की है, ठीक हो गया। सर यहां पे लिखा होता डेबिट और यहां पे लिखा होता क्रेडिट, या कुछ ना लिखा होता तब भी वो क्या मानते? क्रेडिट। कुछ ना लिखा होता तब भी क्या मानते? क्रेडिट। अब अगर ऐसा होता तो ये 50 2 लाख से क्या होता और ये 10 क्या होता? कंसेप्चुअली चलो, और ये पेपर में सीबीएसई में आया था 2019 के अराउंड आया था, पहली बार नया कंसेप्ट, तो बच्चे बोल चुके यार करंट अकाउंट बच्चे ने फंडामेंटल में सुना होता है, गुडविल में तो सुना ही नहीं होता करंट अकाउंट, ये कहां से आ गया? तो करंट अकाउंट इज ऑलवेज अ बैलेंस ऑफ कैपिटल, बट इट मे बी डेबिट और क्रेडिट, बोथ बैलेंसेस यू हैव, बट कैपिटल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, इफ कैपिटल है तो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। हाँ इस स्टेटमेंट से भी थोड़ा चेंज करेंगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा डिसोल्यूशन, कोई लेवल थोड़ा चेंज करेंगे, +2 की अकाउंटिंग ये समझ लो जी हमारे सीए लेवल की अकाउंटिंग के बराबर चलती है, डिपेंड ये करता है बच्चे को बताना कितना, डिपेंड ये करता है, जो मर्जी टीचर आपस में लड़ी जाए, जो मर्जी आपको टीचर क्लास में कही जाए मैं आपको ये करा दूंगी वो करा दूंगी, जिसको वहम हो मेरा नंबर दे दियो, यही बात कर ले जाके, फिर कोई चक्कर नहीं, वो सब डराने वाली बातें हैं, वो आपको डराना मेरा मन नहीं है, कारण वो पेपर में आना नहीं, आपको पेपर दिखाऊंगा फिर आपको गया ये आया था जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया, उन्हीं स्कूल में तीर तराके मरी जाओ, वो बच्चे हैं आप लोग, वो डराते हैं आपको, तो प्लीज डरिएगा मत, प्रैक्टिस होगी, अपने विश्वास रखिए, स्कूल का जो पेपर होगा आपका एंड टाइम पे कंप्लीट होगा, आप देख पा रहे होंगे +1 से फर्क, कि day 1 से लेक्चर स्टार्ट और पीडीएफ कंप्लीट आपके सामने, सिर्फ 3 क्वेश्चंस पेंडिंग है, नेक्स्ट क्लास मंडे, दिस टाइम संडे नहीं है, बच्चे कवर कर रहे हैं अपने, मंडे को वो खत्म हो जाएगा और 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा पेपर 1, क्लियर हो गया? ठीक है जी, चलिए सर, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चे, थैंक यू।